मैंने कहा ना कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम कर रहा था। 25वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत मैं जल्दी से पढ़ दे रहा हूं। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, तेरे गर्भ में दो जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा और उसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी उस दिन से जब एसाव ने अपना पलौठा पन बेच दिया। 25वें अध्याय की 33वीं आयत, याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा, अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। आप किसको बेच रहे हैं अपना अधिकार? कभी आपने गौर किया है? कभी परिवार को बेच दे रहे हैं, बच्चों को बेच दे रहे हैं, दुनिया के हाथ में अपने आप को बेचने के लिए हमेशा तैयार है। कभी नौकरी को बेच दे रहे हैं, बिजनेस को बेच दे रहे हैं, दोस्तों को बेच दे रहे हैं, जो आपका अधिकार है, बेटे और बेटियां होने का अधिकार मिला है आपको। लिखा है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उसने उनको बेटे और बेटियां नहीं बनाया, उनको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। देखिए, बेटे और बेटियां बहुत होते हैं और कई बार अधिकार से वंचित भी कर दिए जाते हैं। बाप लिख देता है प्रॉपर्टी किसी और को, अरे मैं बेटा हूं, हो गए तुम बेटे, अधिकार तो किसी और को मिल गया। आप खुश नहीं है कि प्रभु ने आपको बेटा और बेटी नहीं बनाया है, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। यू हैव द राइट, आपके पास उसने आपके लिए एक विल लिखा है, आपके लिए एक वसीयत नामा लिखा है कि ये मेरा सिर्फ बेटा नहीं है, इस बेटे के लिए अधिकार भी दिया गया है इसको। और एक बात बताया आपको, अधिकार का ही सारा खेल है। जब तक अधिकार है, जब तक दरोगा साहब के पास अधिकार है, तभी तक वो दरोगा है। जिस दिन रिटायर हो गए उस दिन परोगा हो गए, वो मरोगा हो गए, वो सब हो गए, अब दरोगा नहीं है वो। क्योंकि क्या खत्म हो गया? उनका अधिकार खत्म हो गया। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो सबसे पहले उसको अधिकार दिया, कहा इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। अंगूठी अधिकार होता है। जब शादी होती है तो अंगूठी से, जो आजकल तो नॉन क्रिश्चियन लोग भी अंगूठी से शादी करने लगे, उनको समझ में आ गया है कि यह अंगूठी नहीं है, यह अधिकार है, मेरा तुम पर अधिकार और तुम पर मेरा अधिकार। उसने बेटी और बेटियां होने का अधिकार हमें दिया है। अपना खून बहा करके हमें सिर्फ बेटा और बेटी नहीं बनाया, लेकिन उसका अधिकार भी हमें दिया है। अपने पलौठेपन का अधिकार ये बेच दिए। खबरदार जो आपने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार बेच दिया। और एक बात बताएं, अधिकार का जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, अधिकार का कोई मतलब नहीं होता है। अधिकार का मतलब इस्तेमाल। आप कितने भी दरोगा होंगे, कितने भी एसएसपी होंगे, कितने भी बड़े पुलिस के अधिकार, अगर आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके सामने मारपीट हो रही है, आपके सामने चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और आप खड़े हुए, अरे दुर्गा साहब क्या करें? नहीं भाई, हम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे आप रुकिए, उन लोगों को नहीं रोकेंगे तो नहीं रुकेगा। अपने अधिकार का इस्तेमाल ही आपको अधिकारी बनाता है। लोग कहते ना, अरे भाई अब अधिकारी हुए हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने अधिकार का इस्तेमाल कब किया? आप तो अपने ऑफिस में आ ही नहीं रहे। जो अधिकार का ऑफिस है, आपके बाप का जो ऑफिस है, जहां बैठ करके आप अधिकारी बन सकते हैं, आप तो गायब हैं। आप तो पता नहीं कहां कहां मौजूद। दिस प्लेस गिव्स यू द पावर, ये अधिकार देता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेला नहीं बनाया, उनको अधिकार दिया, दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया, बीमारों पर हाथ रख के चंगाई करने का अधिकार दिया। लेकिन एसाव ने तो अपना अधिकार बेच दिया याकूब के पा लिया। और याद रखिएगा, अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई और तो कर ही लेगा।
क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है अपना अधिकार। और मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए ध्यान से, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने अपनी वसीयतें लिखी अपने बच्चों के नाम, और बीच में जो एडवोकेट साहब थे, जो वकील साहब थे जिन्होंने वसीयत लिखी, वही भांजी मार ले गए। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि बच्चों को वसीयत पता नहीं थी और जिनको पता थी उन्होंने उसका फायदा उठा लिया। आपको तो पता ही नहीं है कि मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपको तो पता ही नहीं, यह अधिकार ही नहीं पता है, और शैतान उसका फायदा उठा ले रहा है। बोला पत्थर से बोलो रोटियां बन जाए, आप बड़े खुश है कि अरे हमारे अधिकार में तो पत्थर है, आप पत्थरों को रोटियां बनाने में लगे पड़े हुए, आप नौकरी करने में लगे हुए, आप बिजनेस करने में लगे हुए, कहां आपको परमेश्वर का वचन सुनना है और बोलना है कि भैया जीवित हम इससे रहेंगे उससे थोड़ी रहेंगे, वो तो हम खा करके और मर जाएंगे। हमारे बाप दादे मन्ना खा करके और जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर का वचन हमें मालूम ही नहीं, अपना अधिकार ही नहीं मालूम है, क्योंकि कभी आपने वसीयत पढ़ी नहीं कि मेरे हक में यह भी है, मेरे हक में वो भी है, मेरे हक में वो भी है। हम तो अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं। आप लोग तो पता नहीं गांव में कभी रहे हैं कि नहीं रहे, मैं तो गांव में रहा हूं। गांव में कुछ कुछ पढ़े लिखे लोग होते और वो अनपढ़ लोगों को, जो अनपढ़ होते उनको कुछ पता नहीं, उनकी जमीनें होती लिखवा लेते, कुछ का कुछ लिख करके साइन करवा लेते। और आज शैतान भी आपसे साइन करवाया जा रहा है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, ना उत्पत्ति पढ़ा ना निर्गमन पढ़ा, आप तो गए बस चर्च को एक आपने एक गैदरिंग का प्लेस समझा। एक बात बताएं, इस दुनिया में बहुत लोग हैं, 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, लोगों की कमी नहीं है। प्रभु को बेटे और बेटियां चाहिए, लोग नहीं चाहिए। बहुत हंगामा मत कीजिएगा, अरे फलानी मीटिंग में बहुत लोग आए थे, लोग तो 8 अरब लोग हैं, उसकी कौन सी कमी है, उसका कौन सा जलवा है, कितने लोग आए थे, लोग तो जमा हो ही जाएंगे, उसके बेटे और बेटियां कहां है। उड़ाऊ पुत्र जब लौट करके आया तो उसने कहा सेवकों के समान, सेवकों की कमी थोड़ी थी, सेवक तो दुनिया भर के थे, बेटा तो एक ही था ना, उस बेटे के बिना वो घर सूना था। मित्रों हमको लोग नहीं चाहिए इस चर्च में, प्रभु को लोग नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। आप आते हैं तो बेटे और बेटियां होने का अधिकार लेकर के आइए इस चर्च में। सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए चले गए और सिर्फ संडे है तो एक रिचुअल के रूप में चले गए, फायदा नहीं है उससे। परमेश्वर को लोग चाहिए नहीं, भीड़ चाहिए नहीं, उसको भेड़े चाहिए, क्योंकि वो चरवाहा है और चरवाहे को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़े चाहिए उसको। भीड़ बनकर के मत आइए। मैंने कहा पूरी भूमिका एसाव नहीं तैयार कर रखी थी, अपना पैलौठापन बेचा और उसके बाद अन्य जाति स्त्रियों को लेकर के आया, और इसके बावजूद इंसानी दिमाग ने यह सोचा कि इसी को ब्लेस कर दे। लेकिन इसहाक भी जो ब्लेसिंग दे रहे थे, मेरी बात थोड़ी देर रहिएगा मेरे साथ, वो भी गलत तरीके से दे रहे थे। ठीक है, उस जमाने में पैलौठे को ही हक दिया जाता था, एसाव पैलौठा था, पता नहीं इसहाक को पता था कि नहीं पता था कि ये पैलौठापन खो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए कैसे पूरी हो रही है, इसहाक ही गड़बड़ा गए बिल्कुल। एक तो उनकी आंखें धुंधली हो गई, उनको सूझता नहीं था, बूढ़े हो गए, बहुत अपनी हिकमत लगाए, सांसारिक दिमाग लगाए, तो एसाव को बुला करके इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे लिए खाना बना के लाना। जबकि उस जमाने में जब अधिकार दिया जाता था तो पब्लिकली दिया जाता था, समाज के 10 लोगों को बुला करके बड़े बेटे को अधिकार सौंपा जाता था, और ये प्राइवेटली करना चाह रहे थे। और कई बार हम लोग प्रभु को छोड़ करके प्राइवेटली अपना बिजनेस करना चाहते, बजाय प्रभु के सामने अपने आप को सबके सामने गवाही देने के। आपको याद होगा जब वो स्त्री जिसको 12 साल से परेशानी थी, जब चंगी हो गई तो छिपना चाह रही थी, भीड़ में आकर के छू तो लिया, चंगी तो हो गई, यीशु मसीह ने सामने बुलाया, बोला आप सामने आकर के बात करो। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं एक सुनने पर, तो पंखा चला दीजिएगा यीशु भाई। आइए 27वां अध्याय। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया
जब इसहाक एसाव से यह बात कर रहा था तब रिबका सुन रही थी। रोज बात होती होगी घर में, और यह लिखने की कोई जरूरत नहीं थी कि रिबका बात सुनती थी। अरे घर में है, वाइफ है तो बात सुनेगी, मगर आज कुछ ऐसी बात थी जो सुनी जाने वाली बात थी। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। और मैं आज आपको सुनने की ताकत बताना चाहता हूं कि बाइबल ने जब कहा है कि विश्वास देखने से नहीं बल्कि सुनने से, और शैतान यही चाहता है कि आप सब कुछ करें सुने ना, क्योंकि जो आप सुनते हैं वही बोलते हैं और जो बोलते हैं वही आप करते हैं, तो वो सोर्स को ही बंद कर देना चाहता है। एक बात बताएं आपको, एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है, आप उसको कक्षा UKG जो भी है, जो पहली कक्षा होती, उसको अगर टीचर केवल क दिखाए बोले ना, वो बच्चा जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा क। उसको दिखाया जाता है और बोला जाता है। आज मसीही लोग देखना चाहते, ये दिखा दीजिए, वो दिखा दीजिए, ये चिन्ह दिखा दिए, सुनना कोई नहीं चाहता, जबकि बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से। और आज मैं ये प्रूफ करना चाहता हूं कि विश्वास सुनने से ही होता है। अगर आपने कायदे से अपने कान से मन के कान से सुन लिया तो कोई ताकत नहीं है जो आपकी आशीष को रोक दे। आज रिबका सुन रही थी, आज एक वचन एक वाचा सुन रही थी वो, और उसने सुना कि एक कॉन्स्पिरेसी एक षड्यंत्र चल रहा है एसाव को ब्लेस करने के लिए। इसहाक ने ठानी है, उसने कहा आज तो मैंने सुन लिया है। सोचिए अगर रिबका ने सुना नहीं होता तो बकरी का बच्चा भी रहता, याकूब भी रहता, सारा मसाला भी रहता, आशीष नहीं मिलती, याकूब आशीष नहीं पाता। एक मां के सुनने ने, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और चूंकि यहां बहुत सी माएं हैं, मां आपके सुनने ने आपके बच्चों को आशीष दिलवाई है। इस सुनने में इतनी ताकत है। मैं थोड़ी देर के लिए आपको दिखाना चाहता हूं यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय जल्दी से पढ़िएगा। यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, यहोशू को, हाँ ठीक जी, दूसरा अध्याय 8 पद से पढ़िएगा जरा। थे कि वो स्त्री छत पर इनके पास जाकर जी इन पुरुषों से कहने एक वेश्या स्त्री थी, दो स्पाइस दो जासूस गए, उसने उनको छिपा के रखा। ये लोग गए थे यरीहो का भेद लेने के लिए, ये पता करने गए थे कि यरीहो को जीता जा सकता है कि नहीं जीता सकता है। ये देखने गए थे, सब लोग बोलिए देखने गए थे, फिर से बोलिएगा, क्या करने गए थे, सुनने नहीं गए थे, क्या करने गए थे, देखने गए थे। अब मैं सुनने की ताकत बता रहा हूं, गए थे देखने के लिए, बहुत देखे तो चले गए एक स्त्री के यहां। अभी ये लेटने नहीं पाए थे, गए थे देखने के लिए, लेट गए, क्या देखोगे, लेटे लेटे क्या देखोगे, लेटे मतलब सोने गए थे, गए थे देखने के लिए, गए थे जासूस बन के और सो रहे। ये है मसीही लोग, दुनिया जीतना हमें, दुनिया पर काबू पाना है हमें, सोते सोते। आपको याद होगा यीशु मसीह के चेले भी सो गए, यीशु मसीह ने कहा थोड़ी देर भी नहीं जाग पाए क्या मेरे साथ तुम। दिन भर वो स्त्री सोच रही थी कि कब इनसे इनको जाके मैं बताऊं, मैंने क्या देखा है। नहीं, आगे पढ़ते हैं, वे लेटने ना पाए थे कि वो स्त्री छत पर इनके पास आकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया। एक मिनट, तुम क्या बात बता रही हो हम लोग, तुम तो एक मतलब एक ऐसी स्त्री हो और तो यहोवा ने, और वो ये सब अनजाते लोग थे, ये यरीहो के लोग थे, दे वर नॉट फ्रॉम जेरूसलम, यरूशलेम के लोग नहीं थे, ये इब्रानी लोग नहीं थे, ये अन्य जाति थी ये स्त्री, और ये आकर के एक वेश्या स्त्री एक प्रचारक बन गई। जो प्रचारक थे वो लेट के सोने जा रहे हैं, बिस्तर बिछा लिए, आराम फरमा रहे हैं,
संडे मॉर्निंग उनका आराम का समय, अरे 10 बजे से है, चलो चला जाएगा, आराम से चला जाए। कहां प्रचारक हो करके प्रचार करना है, तो एक अन्य जाति स्त्री आके कह रही है मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। एक मिनट, तुमको कैसे मालूम कि यहोवा ने दे? सोच लीजिए, अभी ना लड़ाई ना झगड़ा ना तोप ना तलवार, अभी कोई चढ़ाई नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ। शी इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग और कह रही है कि यह देश तुमको दिया, मुझे तो निश्चय है वो वहीं की रहने वाली है, वो दुश्मन देश की रहने वाली है, ये आए हैं भेद लेने के लिए। वो इनको समझा रही है, आज अन्य जाति हमको समझा रहे हैं कि परमेश्वर के पास कितनी ताकत है। ये देश तुमको दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। अरे बाप रे बाप, कर क्या रहे हो तुम लोग? तुम लोग क्या, कौन सा भेद लेने आए हो? तुम्हारा संचार माध्यम क्या कर रहा है तुमको यहां? ये लोग के मन में पहले से ही परमेश्वर का भय समाया हुआ था। दे वर ऑलरेडी डिफीटेड बाय, जो डर गया सो मर गया, ये तो ऑलरेडी डिफीटेड है, शैतान तो ऑलरेडी हारा हुआ है। और आपको बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत पड़ती है, शैतान हारा हुआ, शैतान हारा हुआ, शैतान, अरे शैतान तो कह रहा बाबा हम तो ऐसे ही हारे हुए हैं, हम पर क्या चढ़ाई कर रहे हो? सुनिएगा, भय समाया हुआ है और देश और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे। कैसे पता तुमको? अरे वो एक प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था, वो आया था टीवी पर, प्रोग्राम आया था पूरा, हम लोग बैठ करके देखे, तभी से हम लोग आए। कुछ नहीं, कोई टीवी पर प्रोग्राम नहीं आया था। अब सुनिए वो उसका कारण बता रही, उसने कहा क्योंकि हमने सुना है, हमने सुना है। क्या उल्टी बात हो रही, कहां इनको कहना चाहिए था हमने सुना है। हजारों साल पहले कुछ घटना हुई थी, जानते क्या हुआ था? सुनिए, हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का, अरे बाबा तुम्हारे बाप दादे उस लाल समुद्र में थे, तुम्हारे बाप दादाओं ने वो मौजजा देखा था, और हमको क्या बता रहे हो? हम तुमको बता रहे हैं हमने सुना है कि तुम्हारे सामने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा। सोचिए आप, एक अन्य जाति स्त्री इनको प्रचार कर रही है, इनको इन्हीं के खुदावंत के बारे में बता रही है, हमने सुना है, हमने तो देखा नहीं था, देखा तो तुम लोगों ने था, तुम्हारे बाप दादों ने देखा था। कहां उनको पास ऑन करना चाहिए था, कहां उनको कहना चाहिए था बेटा हमने देखा था, हम वहां पर थे, किस तरीके से जल का पानी दो भाग हो गया था। फिर वो बात अगले वंशज को जाती, वो कहता तुम्हारे परदादा ने बताया था कि एक बार मूसा ने हमको लाल समुंदर के पार किया, ये बात पास ऑन होनी चाहिए थी। लेकिन कहां, मसीह तो कुछ और पास ऑन कर रहे हैं, ये अन्य जाति लोग पर ये प्रभाव पड़ गया, उन लोगों ने हमारे परमेश्वर यहोवा के बारे में सुना। यह है सुनने का प्रभाव। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ सुनिए या ना सुनिए, अपने पड़ोसी की बुराई सुनिए ना सुनिए, अपने रिश्तेदारों की बुराई सुनिए ना सुनिए, एक काम कीजिए, परमेश्वर का कलाम हमेशा सुनते रहिए, क्योंकि यही परमेश्वर का कलाम आपके शत्रुओं को घबरा देगा मित्रों, उनमें भय समा देगा और आपको ताकत देगा, आपको विश्वास की तलवार पकड़ा देगा। हमने सुना है, एक और सुनने की मैं बात करना चाहता हूं, जल्दी से पढ़िएगा पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय, पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय और उसकी 23 आयत। जी, पहला सामुएल 17। और उनके साथ बातें कर ही रहा था, हाँ? कि फिलिस्तियों की पांति में से, हाँ? वो वीर अर्थात गतवासी, तीन दिन से वो चिल्ला रहा था, गोलियात नाम का जो गतवासी था, 3 दिन से चिल्ला रहा था और सब सुन रहे थे उसकी गर्जन, उसका भयानकपन, उसका भाला, उसका तलवार, पता नहीं सुन रहे थे कि सब देख रहे थे, क्योंकि आप पढ़िएगा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, उसका तलवार ऐसा था, उसका भाला ऐसा था, उसका टोप इतने किलो का था, सब वो देख रहे थे, मगर एक जन देख नहीं रहा था, सुन रहा था। पढ़िए क्या लिखा हुआ। जी, अर्थात गतवासी गोलियत नाम वो फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया, हा? और पहले किसी बातें कहने लगा, हुँ? और दाऊद ने उन्हें, अच्छा एक मिनट, वो पहले भी ये कह रहा था लेकिन किसी ने सुना नहीं था, क्योंकि सब तो उसको देख रहे थे ना, देख रहे थे, अरे बाप रे बाप, हाय देखो 6 फुट्टा है, इसका टोप देखो, इसका तलवार देखो, हम लोग ये देख करके डरे हुए हैं, मगर एक लड़के ने देखा नहीं, बोला क्या देखना क्या, ये कह क्या रहा है ये बताओ हमको। जी, और दाऊद ने उन्हें सुना, और अरे अरे अरे
कहां दाऊद को देखना चाहिए था, तो दाऊद ने देखा नहीं बल्कि दाऊद ने सुना। आज मसीहों, मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, परमेश्वर की शक्ति को देखो नहीं, उसको सुनो, परमेश्वर के वचन में सुनो। क्योंकि जिस दिन आप सुन लोगे, आपको याद होगा जब स्वर्गदूत गरड़ियों के पास आए तो उन्होंने कहा कि सुनो, हम तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लेकर के आए हैं। कहा अभी देखना तो बाद में, याद रखिएगा पहले ऑडियो होता है बाद में वीडियो होता है, पहले रेडियो का आविष्कार हुआ। और एक बात बता दे कि वीडियो से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा पावरफुल ऑडियो होता है। एक आपको मूवी दिखाए बढ़िया वाली और म्यूट कर दे उसको, उसमें एक डायलॉग ना सुनाए और आप हमको बता दीजिए क्या कहानी थी, क्या कोई बोला। लेकिन उसी वीडियो को बंद कर दे और केवल उसका साउंड ट्रैक चला दे, आप पूरा एंजॉय कर लीजिएगा उसको। रेडियो पर गाना सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको देख करके ही सुना जाए, केवल सुन करके आपको याद हो जाता है। इतने गाने हम लोग गाते हैं, हम लोग ने तो कई बार उन गायकों को नहीं देखा, उन बजाने वालों को नहीं देखा, तो क्या गाना नहीं गाते हम लोग? उनके गाने आते, ऑडियो आता, सीडी आती उनकी। कभी किसी, हमने तो शायद ही किसी सिंगर को, जितने सिंगर हैं क्रिश्चियन सिंगर हैं, शायद ही कभी देखा हो, लेकिन उनके गाने हम लोग गाते। सुनना, सुनना, विश्वास सुनने से होता है। और दाऊद ने सुना, जानते क्या सुना? अपने परमेश्वर के प्रति उस तिरस्कार को सुना जो ये गोलियात कह रहा था। आज ये दुनिया आपका दुश्मन क्या कह रहा है आपको नहीं सुनाई दे रहा है, आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है। ये दुश्मन कितना बड़ा है और ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक काम कीजिए, देखना बंद कीजिए और सुनना शुरू कीजिए। एलिया ने कहा कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट की आवाज सुनाई देती। हमको अभी दिखाई तो कुछ जानते क्या दिखाई दे रहा था? छोटा सा हाथ के समान बादल दिखाई दे रहा था, मगर भारी वर्षा की सनसनाहट की आवाज सुनाई पड़ रही थी। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, देखना बंद कीजिए। आज हम लोग देखने के लिए जाते हैं, यहां देखने के लिए, अरे इतनी भीड़ थी, अरे इतने लोग आए थे, अरे ये चलने लगे, वो चलने लगे, कुछ नहीं। एक काम कीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए। अंधेरे में शामुएल सो रहा था, उसने कहा कि सर ना इंटरनेट काम कर रहा है, ना व्हाट्सएप काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक काम कर रहा है, मेरा कान काम कर रहा है। मेरी आंखें नहीं दिखाई दे रही है, मगर मेरा कान बिल्कुल 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 ट्यून्ड इन है, मेरा कान बिल्कुल समझ में आ रहा है, आप बोलिए और मैं सुन रहा हूं। उसी सुनने ने शामुएल बेटे को शामुएल नबी बना करके रख दिया। आज हमारी और आपकी प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया के सुनते हैं, खुदा के सुनने को तैयार नहीं है। और यीशु मसीह जहां जाते थे वहां सुनाते थे, पहले सुनाते थे, बाद में 5,000 को खिलाया, पहले 3 दिन सुना दिया उनको। लाजर की कब्र पर ले गए, लाजर अंदर मरा पड़ा हुआ है, केवल एक चीज ने लाजर को बाहर निकाला, ना टीवी ने, ना स्मार्टफोन ने, ना प्रोजेक्टर ने, केवल खुदा की आवाज ने। और जानते हैं क्यों निकला? क्योंकि लाजर बहरा होता तो वहीं पड़ा रहता। लाजर ने कब्र में झांक, अरे आ गए यीशु मसीह, आ गए, आ गए, आ गए। लाजर कब्र से झांक के नहीं देख रहा था, लाजर पड़ा हुआ था, मगर लाजर यीशु मसीह की आवाज सुन रहा था। क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, भाई प्रोजेक्टर ऑन करो, टीवी ऑन करो, दिखाओ भाई उसको, बताओ क्या दिखाओ, हम आ गए, कैमरा लगाओ यहां पर। केवल एक शब्द बोल दिया, लाजर बाहर निकल गया। आप खुश नहीं है कि लाजर को सुनाई दे रहा था? लाजर बहरे से, कई मसीही बहरेपन से मर गए, जिंदा रहते हुए बहरेपन से मर गए हैं, क्योंकि सुनना नहीं है। लिखा है मरकुस की इंजील, उसके दूसरे अध्याय में पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि और वो काफी दिन के बाद कफरनहूम में आया। शायद लोग भूल भी गए होंगे यीशु मसीह कौन है, क्या करता है, लेकिन लिखा है कि सुना गया कि वो घर में है। काफी दिन के बाद तो जरूर आया, लेकिन सुनाई सबको दे गया कि यीशु मसीह घर में है। और उसी सुनाई देने ने, मेरे साथ है कोई, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, मैंने कहा उसी सुनाई देने, लिखा कि वो कफरनहूम में आया और सुना गया कि घर में है, और 4 लोग एक झोले के मारे को लेकर के आए। काश की हम और आप भी सुन लेते, हमें भी चंगाई मिल जाती,
सोचिए अगर सुना नहीं जाता तो यीशु मसीह कफरनहूम में भी आते, आराधनालय में भी आते और सब बोल करके चले जाते और वो झोले का मारा वहीं का वहीं रह जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वहां कुछ लोग थे जो सुन रहे थे कि यीशु मसीह आए हुए हैं। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक काम कीजिए, सुनिए भी और सुनाइए भी। शोर है गली गली, आज आया है मसीह। पौलुस और सिलास हाथ और पैर बंधे थे मित्रों, लेकिन सुनना और सुनाना कोई रोक नहीं पाया। लिखा रात के अंधेरे में सर से पांव तक देवर बीटन अप, कोड़े मारे गए थे, अच्छे खासे कोड़े मारे गए थे, हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे। और मैं नहीं जानता हूं कि आज सुबह आपके क्या हाथ बंधे हैं और क्या पैर बंधे हैं। कई बार हम लोग बहाना बनाते हैं, अरे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हम देना तो चाहते करना तो चाहते, मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पैर बंधे। एक काम कीजिए, सुनिए और सुनाना तो शुरू कर दीजिए। उस बंधे हुए हाथ और बंधे हुए पैर से लिखा है कि पौलुस और सिलास परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। और ऐसा बड़ा भुइडोल हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, जब आप अपना पर्सनल डिवोशन कीजिए तो एक काम कीजिए, कहिए प्रभु हमको कुछ देखना नहीं, आप पहले सुना दीजिए, हम अपना कलाम सुना दीजिए। मित्रों जब कलाम आ जाएगा तो विश्वास भी आ जाएगा, और जब विश्वास आ जाएगा तो पहाड़ हट करके समुंदर में जा गिरेगा। मित्रों वो तो दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, लेकिन उसके दिखाई देने की शुरुआत आपके सुनने से होगी। जब दाऊद को सुनाई दे गया कि ये गोलियात क्या कह रहा है, तो लोगों को दिखाई भी दे गया कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद गोफन भी दिखाई दिया और पत्थर भी दिखाई दिया और वो तलवार भी दिखाई दी जिससे गोलियात का सर कलम किया गया। जानते कहां से शुरुआत हुई? क्योंकि दाऊद सुन रहा था। याकूब की वो आशीष जो हम तक पहुंची, इब्राहिम के लिए तो बहुत आसान था, एक ही बेटा था तो आशीष तो उसको मिली जानी थी। लेकिन इसहाक के लिए प्रॉब्लम थी, एसाव भी था और याकूब भी था, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही से तय कर दिया था। परमेश्वर ने बोल दिया था, रिबका को बोल दिया था कि रिबका तेरे गर्भ में दो जातियां हैं, दो राज्य हैं, बड़ा छोटे का दास होगा, बोल दिया था। और जब बोल दिया था तो वो होना ही था। आप दुआ कीजिए और कहिए खुदावंद मेरे लिए एक वचन बोल दीजिए, कह दीजिए कि आपका दास सुन रहा है, आपकी दासी सुन रही है खुदावंद। आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनती और पहचानती है उसको। लिखा कि वो तारों को गिनता और उनका नाम ले लेकर के बुलाता है, क्योंकि वो तारे सुनते हैं उनकी, देखते नहीं है सुनते हैं। काश कि आज हमारी वो कान खुल जाए जो दिलों की गहराई तक परमेश्वर का वचन सुने। उस रहाब ने, उस वेश्या ने कहा हमें तो निश्चय है कि परमेश्वर ने यह देश तुमको दे दिया है, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे यहोवा ने लाल समुंदर को कैसा दो भाग किया था। अरे काश कि इनको कहां बताना चाहिए था, अरे हमारे परमेश्वर के पास इतनी ताकत है, उसने लाल समुंदर को पार किया, तो एक अन्य जाति स्त्री बता रही है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या किया था। मसीहो आज हमें दुश्मन बताएगा कि हमारे परमेश्वर के पास कितनी ताकत है। एक काम कीजिए, दुश्मन से कह दिए मैं यहोवा के नाम से आता हूं। जब गोलियात के सामने वो दाऊद पहुंचा तो वो उसका डील डॉल नहीं देख रहा था, वो परमेश्वर का वचन लेकर के जा रहा था। उसने कहा होगा तुम्हारा तलवार और तुम्हारा तोप और तुम्हारी भाला जितना बड़ा है, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं जो तुम्हारे इस शक्ति से कहीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं नहीं जानता हूं कौन गोलियात आपके सामने खड़ा है, मगर आप अगर आप उसकी ललकार सुन रहे हैं तो एक काम कीजिए, अपनी ललकार को और ऊंचा कर दीजिए और कहिए कि यहोवा के नाम से मैं आता हूं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर। जिसके कान हो वो सुन ले। जी सभी सुन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि आप किस कान से सुन रहे हैं। सुनने को तो हवा भी सुन रही थी, ये फल खाओगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओ, लेकिन गलत सुन रही थी। वो परमेश्वर का कलाम नहीं, वो शैतान का कलाम सुन रही थी। और मैं नहीं जानता हूं कि कौन आपसे बात कर रहा है आज। आपकी परिस्थितियां बात कर रही हैं, आपकी गरीबी बात कर रही है, आपकी आर्थिक
जो जकड़न है वो आपसे बात कर रही है। मैं नहीं जानता हूं कौन बात कर रहा है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि परमेश्वर का कलाम आपको विश्वास से भर देगा। वो पद चुनना शुरू कर दीजिए जहां खुदावन आपकी परिस्थितियों से बात करेगा। जब आप परमेश्वर की सुनने लगेंगे, दानियल ने कहा कि उसने अपना स्वर्गदूत भेज करके इन शेरों का मुंह बंद कर दिया। ये जो देखिए शेर और कुछ नहीं करते, मुंह से गुर्राते डराते, परमेश्वर ने कहा बंद करो इनकम। दानियल को मेरी बात सुननी, मेरी वो डिस्टर्ब कर रहे थे। आज कहिए प्रभु ये शेर डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बीमारी डिस्टर्ब कर रही, ये मानसिक तनाव डिस्टर्ब कर रहा मेरे को, तेरी आवाज नहीं सुनने दे रहा, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं तेरे वचन पर, कॉन्सेंट्रेट नहीं, ये मेरा अपना मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरा परिवार, ये सब रोड़ा बने हुए। प्रभु इनको दूर कीजिए, इन शेरों का मुंह बंद कीजिए ताकि मैं तेरी आवाज सुन सकूं। प्रभु जी वाह, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शमूएल को एक कोने में लेटा दिया, अंधेरा था वहां पर, कोई नहीं था। एली अपने कमरे में और शमूएल अकेला, ना मम्मी ना पापा, सबसे अलग कर दिया था। और दुआ कीजिए कि खुदावंद आपको सब परिस्थितियों से अलग करे, आपको अलोन कर दे, आपको सेक्लूडेड कर दे, बिल्कुल किनारे कर दे, ताकि आप उसकी आवाज को सुन सके। हो सकता है पौलुस और सिलास ऐसे प्रार्थना ना करते और ऐसे स्तुति नहीं करते, प्रभु ने कहा जेल में जाओ और वहां मेरी स्तुति करो। कई बार खुदावंद ऐसी परिस्थितियों में डालता है हमें ताकि हम उसकी बात को सुन सके। मूसा फिरौन के दरबार में नहीं सुन पाया तो परमेश्वर ने निकाल के मिद्यान के जंगल में उसको बात कराई, जब कोई नहीं था, जब सब उसकी ताकत खत्म हो गई, खुदावंद ने कहा अब मेरी बात सुनो, मैं बात कर रहा हूं तुमसे। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस परिस्थिति में हैं, लेकिन हो सकता है खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। इसी परिस्थिति में खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। आप तैयार हो जाइए उसकी आवाज सुनने के लिए और कहिए कह कि तेरा दास सुनता है, कह कि तेरी दासी सुनती है प्रभु जी, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। हम सबों को सुनने के कान दीजिएगा खुदावंद। हम जहां रहे खुदावंद तेरी आवाज सुनने में कभी कोताही ना करें, हमारे कान बिल्कुल इन ट्यून रहे खुदावंद कि जब तू बोले तो हम तेरी सुनने के लिए तैयार रहें।